गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब गोहाना खानपुर रोड पर गांव गामड़ी के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए खानपुर महिला मेडिकल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खेत में जा रहे थे शाम को कुछ काम के लिए और रास्ते में गोहाना की साइड से बाइक आई थी, बहुत तेज टक्कर हुई। अच्छा, ये किस चीज पर थी? ये बाइक पर, दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हाँ। तो उसमें वो दोनों वो भी घायल है? हाँ, वो भी। कितने जने थे वो? दो। ये अपना भाई काम क्या करता था? खेती बाड़ी। गांव गामड़ी के इलाका में दो बाइकों की टक्कर हुई थी, जिसमें अश्विन सन्नो बलवंत गांव गामड़ी की मौत हो चुकी है। दूसरे घायल है? सर, तो दूसरी बाइक पे थे घायल है उन दो जने? हाँ, वो घायल। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? पोस्टमार्टम करा रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था कुछ बताया है? ये खेत में जा रहा था, गांव से खेत में जा रहा था। और जो दूसरे हैं वो गुवाना से आ रहे। स्पीड में थे दोनों? दोनों स्पीड। मृतक के परिजनों की माने तो अश्विन देर शाम अपनी बाइक से गांव में खेतों में जा रहा था और जैसे ही अश्विन गांव से खेतों की तरफ निकला तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने अश्विन की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें अश्विन की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों को खानपुर मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अश्विन खेती बाड़ी कर अपना व अपने परिवार का गुजारा चला रहा था, जिनके दो छोटे बच्चे भी हैं। अब उनके सिर से अपने पिता का साया उठने से परिजनों को उनके पालन पोषण की चिंता सता रही है और घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।